एसएससी और इंटरमीडिएट तलबा तालिबात के दाखिलों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि तलबा और तालिबात की मौसर रहनुमाई की जा सके। इस सिलसिले के तहत आखिरत सुधार कमेटी की जानिब से भी एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आखिरत सुधार वेलफेयर कमेटी की जानिब से 26 मई बरोज़ एतवार एसएससी और इंटर कामयाब तलबा तालिबात के दाखिलों की रहनुमाई को लेकर एक खसूसी प्रोग्राम बमकाम एप्पल बिल्डिंग रूबरू इरफान होटल नवाब साहब कुंटा चौराहा मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में खसूसी मेहमान मुखर्रीन के तौर पर ताहिर फराज चेयरमैन CES और माहिर तालीम मोहम्मद अब्दुल हकीम आकिल नायब सदर सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने तलबा तालिबात से खिताब किया और उनकी रहनुमाई भी की। इस प्रोग्राम में मोहम्मद हनीफ अली चेयरमैन हनीफ रेजिडेंसी ने भी खिताब किया और तलबा तालिबात को जर्रीन मशवरों से नवाजा। मोहम्मद जावेद ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और हदीये तशक्कुर पेश किया। सहाफ़ी मीर मोहसिन अली ने इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर शिरकत की और प्रोग्राम की निगरानी भी की। इस मौके पर ज़ैनुल आबिदीन हाशमी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सर्वे किया, सर्वे करके पाया कि 18 से 20 बच्चों के पास हादसे थे या एरिए थे उसके पता चले। अगर आप किसी को दिल का दौरा पड़ा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, इलाज होता राइट। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। यूनिवर्सिटी एक पढ़ा रही, इंडस्ट्री एक मांग रही, इन्हें अंडा बोले तो बंडा दे रहा। ये बहुत बेहतरीन अब राष्ट्र के लिए ये हाथ इस्तेमाल होता है और इस हाथ कमेटी इस कदर जमा शहर में लाना चाह रही है, इस कदर में जमा लोगों को ये कहना है क्योंकि हमारी फॉर्म सो रही है, हमारी फॉर्म सो रही है, दूसरी फॉर्म जा रही है, वो तराशी कर रही है और हम पीछे जा रहे हैं। वो ईशान के बाद सो रही है, हम ईशान के बाद खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो कैसा हमारे समाज का बोलिया, कैसे तरह की होगी। आज इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है, किसी को फिक्र है। अभी मेरा अपना जाना जाती तजुर्बा है, हमारे सीनियर जनरल इस बात के साथ में 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं, हम रात के 12 बजे के बाद शायद हैदराबाद के होटल बंद हो रही है और सारी आवाम होटल के एयरम प्लाजा में बैठेंगे जाके फैमिली के साथ खाने के लिए। रात के 2 बजे की बात है, कल की हो क्या ऐसा जरूरी। तो नलापुर का पेंट था, हरीफ साहब ने बताया था ये फॉर्म 4 बजे उनके रखे थे, वो लोग ट्राफिक जाम कर देते पूरा नलापुर का, और हमारी फॉर्म जैसा फरमाया हरीफ साहब ने रात के 2 बजे जाती, हमारी फॉर्म की जाग रही है और गैर फॉर्म की जाग रही है। हमारी फॉर्म कहीं जा रही है खाने के लिए जा रही है, रोज के 2 बजे जाओ, शादा बादा ये सब जितने भी है ना ये फुल रहता बिरयानी के लिए जो बैठे हैं। फिर ना 4 बजे आप जाएंगे वहां ठहरने जगह नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो दुनिया के जो हमारे हैदराबाद इंडिया के जो मशहूर इंस्टीट्यूशन है IIT JEE BITSAT ये तमाम के प्रिपरेशन जो है एक काफी शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास 10 पार्सल और सिविल सर्विस के खास बात यह है, डॉक्टर बनने फिर दवाखाना खोलना, नौकरी ढूंढना है। मैं जिस दिन आप सिविल सर्विस का एग्जाम पास हो गए, जब जिस दिन आप इंटरव्यू क्वालिफाई हो गए तो उस घर से आपकी नौकरी शुरू, उस घर से आप ऊपर, उस घर से आप डॉक्टर, उस घर से आपके घर पे मालिक, उस घर से आपके घर पे गार्डनर आता। तो आज हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में तो वो हिस्सा होगा जो पूरा हुकूमत चलाता, वजीरों के बाद, वजीर आजम के बाद, सदर जोरिया के बाद जो असल जो कामकाज चलाते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में आज जो है मुसलमानों की बहुत जरूरत है और आज ब्यूरोक्रेसी में हम नहीं होने से, क्योंकि हम आजादी के जब पुलिस एक्शन खत्म हो गया हम परेशान हो गए, पढ़ने लिखने में तवज्जो नहीं दिए और
और जैसा कि हम बिना सुबह में वक्त गुजार के और बेरोजगारी में आज जो है दूसरे लोग पूरे फिलअप हो गए और आज एक ऐसा नजरिया फिलअप हो गया बेरोजगारी में जिसमें 125 साल से ट्रेनिंग की जा रही थी। मेरी मुराद आरएसएस का नजरिया बेरोजगारी का हिस्सा बन गया और वो पूरे ब्यूरोक्रेट्स में आज गृह मंत्री दुकान से बाहर निकाले।